स्कूल शुरू होते ही बच्चों के एडमिशन को लेकर अभिभावक जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इस दौरान आरटीआई के दायरे में आने वाले स्कूलों में भी बच्चों के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते प्रदेश शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि आरटीआई के जरिए प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके बाद उनकी लॉटरी निकलती है। इस स्कीम के अंदर निजी स्कूलों में 25% सीट आरटीआई में रिजर्व होती है। वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान बंद हुए स्कूल संचालक दोबारा स्कूल करने के लिए अनुमति ले सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम हमारे साथ मौजूद हैं। आरटी के तहत जो है बच्चे एडमिशन ले, उनको एडमिशन अभी नहीं हो पा रही है निजी स्कूल में, तो उनके ऊपर क्या संज्ञान लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, आरटी में प्रवेश लेने के लिए सभी पेरेंट्स को ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। जो स्कूल पास में होता है वो वहाँ पे वो लोग प्राथमिकता के आधार पर भरते हैं उसको, और भरने के बाद उनकी लॉटरी निकलती है। हर स्कूल में 25% आरटी के बच्चों को लेना रहता है। कोरोना काल में सैकड़ों स्कूल बंद हुए हैं, क्या उसको खोलने की अनुमति मिल देंगे? नहीं, निजी स्कूल अगर खोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के रिक्वेस्ट पर, उन्हीं के निवेदन पर हम लोग ने बंद किए हैं कि हम बंद करना चाहते हैं। अलग कारण बताएं, कोई कोरोना काल बताए, कुछ 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 बताए, अगर पुनः अगर स्कूल खोलना चाहते हैं तो अनुमति मिलेगी। तो ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम। इन्होंने कहा है कि कोरोना काल में जितने स्कूल बंद हुए हैं, अगर वो खोलना चाहते हैं तो निश्चित तौर से उनको अनुमति राज्य सरकार देगी। मैं चित्रा पटेल, MK News, रायपुर।